मामा जी मैं आपको गुड मॉर्निंग कहना आया, और आप अब तक लौट रहे हो, हाथ मिला रहे हो, हाउ डू यू डू मामा जी? अरे तू नहीं, तेरा भाई स्वर्ग कहाँ है? बेटा तेरी अपनी तो कोई औलाद है नहीं, तुम दोनों को ही अपना मान के पाला पोसा है। ये बड़ी इच्छा थी कि मेरे जीते जी तुम लोग का ब्याह हो जाए, पर तेरी शादी तो मैं करा नहीं पाया, और तेरे निकम्मे भाई से कोई शादी करेगा नहीं। भाई मामा तो तुम पे डाउट कर रहे हैं। मामा मो पे डाउट मत ना करो, एक बार मेरा बिजनेस चल जावे ना, लोन डियान के आगे पीछे लाइन लगा दूंगा। कैसे लगाएगा लाइन निकम्मे? गोलगप्पे का बिजनेस करूंगा ना, गोलगप्पे की रेडी लगाऊंगा, सुबह शाम वहां लोंडियान की लाइन लगी करेगी, फिर तुम देखियो आगे पीछे घुमाऊंगा लोंडियान को। गुमदी एक कैसे बच्चे दिए हैं मेरी बहन ने, एक के पास जुबान नहीं है, एक के पास दिमाग नहीं है। ना मैं तो खूब बोलू मामा, मेरी तो जुबान ऐसे चला है बड़ी फास्ट एकदम। अरे नहीं नहीं भाई, तुम मेरा दिमाग वाले हो। अच्छा फिर ठीक है। मेरी आखिरी इच्छा ये है कि मरने से पहले तुम दोनों में से जो पहले ब्याह करके मुझे वारिस देगा, मेरी जमीन जायदाद का हिस्सा उसे ही मिलेगा, और तुम्हारी नानी की गहनों वाली संदूक भी। अभी मरा नहीं हूँ मैं, अभी मैं जिंदा हूँ। मैं आपके लिए न रो रहा, इसने मेरी केला खा ली। मामा लहर गए क्या? लग तो रहा है। मेरी केला जी, मामा जी। कैसे भैंस की तरह पसर रहा है, अब तो तेरहवीं भी हो गई भाई, कुछ तो कर ले। अबे क्या कर लूं? तो है पता भी है कंगाली में ऐश काटना कितना मेहनत का काम है। अबे ये घटिया क्वालिटी की ऐश है, शादी कर ले, शादी करते ही नानी के गहने तेरे, उन्हें बेच के करियो फिर ज्यादा ऐश। किससे करूं यार, कोई मलूक सी लौंडिया ही ना मिल रही जो तेरे भाई को कंपटीशन दे सके सुंदरता में। अबे तू यही सोचता रही हो, और तेरा वो भाई सुअर सबसे पहले शादी करके नानी के संदूक उड़ा ले जाएगा। पहली बात तो भैया का नाम सुअर ना है, सुअर है। और दूसरी बात यार, वो बोल भी ना पाते हैं, भोले भाले आदमी पे उंगली उठाता रहे तू हर टाइम। मेरे भाई भोले भाले आप, तेरा वो भाई तीन पत्ती का चैंपियन है, और अपने मास्टर की बेटी रूपा उसके साथ उसका चक्कर भी चल रहा है। क्या बोल रहा है? हिंदी बोल रहा हूँ, समझ नहीं आ रही। भाई तूने सुना क्या? सुना दे भाई। वो स्वर है ना? अच्छा, जिसका भाई व्यंजन बहुत ज्यादा मलूक है। हाँ भाई, अरे उसका गांव की हर दूसरी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। राम राम, कितना बुरा समय आ गया यार, गौर करियो। शर्म नहीं आती ना अपने भाई की चुगली करते हुए? शर्म तो मोए बस 12 पे नंगो नहाने में आ गए, वैसे ना शर्माता मैं। तुझे अच्छा नहीं लगेगा तेरे भाई की शादी हो जाएगी तो? बिल्कुल अच्छा लगेगा, लेकिन पहले मेरी होनी चाहिए ना, हम दोनों में से जिसकी पहले शादी होगी ना वह नानी की गहनों की संदूक मिलेगी। और इसका भाई तो बोल भी नहीं सकता। तो शादी के बाद वैसे भी कौन सा कोई मर्द बोल पाता है? अरे वो तो जुआ भी खेलता है। पता है, और वैसे भी मैं उससे कोई फ्री में शादी नहीं कर रही हूँ, पूरे 5 लाख रुपए लूंगी।
वरना शादी नहीं करूंगी। मतलब तुम्हें जो भी पैसा दे देगा तुम वाइसु ब्याह कर लोगी? हाँ और क्या। भाई इसी बात के पैसे हैं, वरना सब हम जैसे। अबे मैं तो पहले ही कहता था वो स्वर नहीं सुअर है, गहनों के लिए पैसे दे के शादी कर रहा है, कोई इतना नीचे कैसे गिर सकता है। मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़े। अरे कौन सी गाजो मेरे भाई के पीछे पड़ा है। हाँ मैं हूँ। तू है? रहो जा, चला जा जा, नहीं तो जो तेरा हाल होएगा ना दुनिया देखेगी। चला जा। क्या कर लेगा तू? अरे मैं बहुत कुछ कर लूंगा, रैपट में जमीन में धास दूंगा, जा चला जा। अच्छा क्या करेगा पति हूँ जरा? बहुत कुछ। अबे बताना क्या करने का। भाई मैं रो पड़ूंगा यार, मैं अपने भाई को पिटते हुए ना देख सकता भाई। यार मत मारो, माफ कर दो। अबे तेरे भाई ने काम ही पिटने वाले करे हैं। जब तेरा भाई रोज जुए में जीतता है ना तो जेब में पैसे रख के भाग जाता है, और जब आज हार गया तो बिना पैसे दिए तेरे पीछे भाग के आ गया। मैं पैसे दे दूंगा भाई, आपके पैसे मिल जाएंगे। कब? चल वे निकल। मत निकल। मैं पहले शादी करूंगा, फिर नानी के गहने बेचूंगा, गहने इनसू जो पैसा आएंगे वो इन्हें दे दूंगा। हाँ ये ठीक। अरे नानी के गहने बेचेगा तू? ते बेरी आदमी देख कितना लुच्चा हो रहा है, ऐसे करेगा तू अपना बिया? अब ओए हमें पैसे आज ही चाहिए। अगर इसने आज पैसे नहीं दिए तो हम इसकी खाल में घुस भर देंगे सारे मिलके। एक सौ साल बाद 3024 एक घंटे बाद ना दे। एक महीने बाद, एक महीना बाद आपको आपके पैसा मिल जाएंगे। एक महीना? अब हम इसे एक दिन ना दें, तू एक महीने की बात कर रहा है, अब देखिए गया। मैं पैसे लेने जा रहा हूँ, जब तक तुम मेरे भाई है पकड़ के रख लो, पैसा ले आऊंगा और भाई को छोड़ दियो। हाँ ये कर। नो नेवर, आई नो ट्रस्ट फॉर यू। मैं काहे को बलि का बकरा बनू? हैं? मोए कैदी बना के जा रहे हो? ए शर्म भी ना आ रही। लगता है तू ऐसे पैसे नहीं देगा, तू तो गया मेरे इन हाथों से। पांच लाख खेत के पीछे वाले पेड़ के नीचे छिपा रखे। समझ गया समझ गया। ना दे रहे तेरे पैसा, जो तेरे पे होता वो कर ले, ऐसा इनको कहना। हाँ क्या हाल क्या कर लेगा तू? तेरे जैसे आदमी ने जमीन में गाड़ दूंगा, तेरे परिवार को गाड़ दूंगा उंगली पे नचा के, और आसमान सु नीचे टपका के भी मारूंगा, फिर टपका के आसमान पे पहुंचा दूंगा। ए मेरे यार परिवार है अगले का, या कोई टेनिस की बॉल है, कभी ऊपर उछाल लो कभी नीचे फेंक रहे हो, ऐसे मसल दूंगा, ऐसे उंगली पे मसल दूंगा, एक उंगली पे नचा दूंगा, यू भी नचाएगा यू भी मारेगा, सब तो मिलके मारेंगे, तेरी भुस्सी भर देंगे, तेरी टट्टी निकाल देंगे। नहीं किसी की बहन बेटी को गलत ना बोलते, ऐसे गलत बात है ऐसे ना कहते हैं, बहन बेटी को गलत ना बोलना चाहिए। गाली दे रहा है क्या ये? गंदी सी गाली दे रहा। ये गए अब तू निपटा। भाई ये सुअर भाई हमारी तफरी तो नहीं काट रहा?
भाई आदमी बेशक सो एक नंबर का जुआरी है पर दिल का सांप है। खुदाई जारी रखो, कुछ ना कुछ मिलेगा। भाई 5 लाख में मेरे कितने? 500। हाँ भाई 500। भाभी ना आ रही तेरी है? भाभी खुशी ना है तो है या ये अपने सिर में मार लू? अच्छा ठीक है, पर वो संदूक से परसेंटेज लूंगा अपनी। मेरे पापा भी नुई कह करे, तेरे पापा भी एक नंबर के लालची है। हाँ हर चीज में सु परसेंटेज चाहिए, स्कूल में कभी परसेंटेज नहीं आई तेरी। हो 33 भी मैं ही करवा कर रहा भाई, हर चीज में परसेंटेज चाहिए। भाई जैसी भी सुबह ज्यादा खुदाई कर दी, रात सु सुबह होगी, मुझे लगता है यहाँ कुछ मिलेगा। भाई मिल गया। I love you. I love you. I love you. Jaldi, jaldi, jaldi. आजो वरमाला लेके। ससुराल? Yes, brother. रूपा, बाबू रूपा, रूपा जी। अरे, ससुर जी? नमस्ते ससुर जी। ससुर जी? क्या ससुर जी? Where is रूपा जी? अरे तुम्हारी रूपा जी अमेरिका भाग गई है। कब? अभी निकली है और चिट्ठी छोड़ गई है, अपने बॉयफ्रेंड के पास जा रही है अमेरिका। पता नहीं कहां से उस पे इतने सारे पैसे आ गए। ए, हटो यार, मैं पुलिस में जा रहा हूं उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने के लिए। शायद थोड़ी सी गलती, लिटिल मिस, रूपा मेरे भाई को छोड़ के इतनी तेज भागी है,
लड़की अगर ओलंपिक में होती ना तो पक्का मेडल लाती। भाई ये साइलेंट फिल्म के हीरो से एनिमल कैसे बन गया? मेरे पैसे कहाँ हैं? वो तो रूपा को दे दिए। रूपा कहाँ है? रूपा तो भाग गई। तुझे बंदूक सुबह दूंगा। आप बंदूक भी भैया? फिर कैसे भून दोगे? अरे ओ भैया, मेरा भाई से भिड़ने से पहले ना उससे भिड़ना पड़ेगा। सबटाइटल दियो। एक नंबर का तेरा दोस्त ये लुच्चा है, लफंगा है। लुच्चा लफंगा है? एक नंबर का चोर छोटा है, सकल से तो मुफलिस लगता है। इसके मुंह पे चार रहपटे मार के इसका गू निकाल दूं, इसकी सकर गंदी सी सकल को 3 सेकंड में बिगाड़ दूं, ऐसे लगता है कि इस पदोड़े को तो उड़ा उड़ा के फेंक के मार दूं। ओ भाई, इतना तो इन्होंने मुंह नहीं चलाया जितने तूने सबटाइटल दे दिए। भाई मैं इनका मन भी ट्रांसलेट कर दूं, सारी बात इन्होंने मन में बोली है ये तो को। आप मन से भी काले हो भैया, इतना गलत सोचते हो मेरे बारे में। बहू मिल गई। स्टूपिड, मैनर्स नहीं है क्या? रोड पे सुंदर लड़की चलती दिखाई नहीं देती? हेलो, क्या बहरे हो क्या? सुनाई नहीं दे रहा? आई एम फाइन, मुझे तो सब सुनाई देवे। मेरा जो भाई है ना वो नहीं बोल पाते। कहाँ गया? ओए नहीं नहीं नहीं, गलत कमेंट नहीं करते लड़कियों के ऊपर, गलत बात है। क्या बोला इसने? क्या बोला? अरे मैं आपको बता दूंगा ना, आप थोड़ी गुस्से वाली हो, मुझे पता है इसके चाटे वाटे मारते। क्या बोला इसने? बता जल्दी बता, क्या बोला इसने? बता क्या बोला इसने? बता। कह रहा कहाँ से है ये बेकार सी लड़की, यहाँ खड़ी है, स्टाइल मार रही है, चिल्ला चिल्ला के बात कर रही है, आ गई कहीं से? अबे ओ, तेरे कान के नीचे मारूंगी तो। बदतमीज, तू चुप रह, हीरो मत बन ज्यादा, पागल कहीं का। इसको कैसे पता कि मैं आके प्यार में पागल हूं? मैजिक इन योर पर्सनैलिटी। नोट भाई, नोट तो बताते हुए जा। भाई कुंडली निकाल दी पूरी। कुंडली निकलवानी होती तो पंडित जी दौरे ना चला जाता, तो इन्फॉर्मेशन लेने भेजो, इन्फॉर्मेशन दे लौंडिया की। अबे वही लाया हूँ, लौंडिया का नाम रितु है। रितु, I love you। और सुन, तेरी तरह अपनी नानी के साथ रहती है। बस उनके टुकड़ों में पल नहीं रही, बाकी खड़ूस है थोड़ी यार। रितु खड़ूस है? नहीं नानी। नानी का कहा करूँ मैं, मुझे रितु की इन्फॉर्मेशन देना। तो इन्फॉर्मेशन तो रितु की ही है। तू तो कह रहा नानी खड़ूस है। हाँ तो खड़ूस तो नानी है। तो मैं क्या करूँगा खड़ूस नानी का, मुझे तो रितु से मतलब है ना। रितु के बारे में बता। रितु के बारे में बता रहा हूँ, नानी रितु की है इसलिए नानी के बारे में बता रहा हूँ। मुझे नानी के बारे में कोई इंटरेस्ट ना, मुझे बता तू रितु के बारे में। रितु खड़ूस है? रितु खड़ूस नहीं है, नानी खड़ूस है। पर मैं करूंगा कहवा की नानी को, मुझे तो रितु से मतलब है ना। तो रितु से मतलब है इसलिए तो रितु के बारे में बता रहा हूँ। नानी खड़ूस है? हाँ। रितु खड़ूस ना है? नहीं है। अब नानी खड़ूस है ना, मैं कहा ले हूँ बात, मुझे तू इतना बता रितु कैसी है? रितु ठीक है, अच्छी है। हाँ खड़ूस तो ना है? नहीं।
नानी खड़ूस। नहीं नानी खड़ूस। रितु नहीं है। ठीक है आगे। नानी रितु की है। वो तो मुझे भी पता है यार। Only talk about रितु, RITU रितु, not talk about नानी। ठीक है ठीक है ठीक है। सुन तो रितु की नानी खड़ूस है। अरे तो रितु की नानी खड़ूस है इसलिए उसको कहीं आने जाने नहीं देती। वो रोज 12 बजे छत पे कपड़े सुखाने आती है। अरे नानी तो बड़ी मेहनत है कपड़ा सुखावे। अबे रितु आती है यार, उससे बात कर, उसको इम्प्रेस कर, उसको बता, क्योंकि जितनी जल्दी लड़की आएगी उतनी जल्दी अमीरी आएगी। रितु तेरे प्यार में दिल की बुझ गई है लाइट। तक ताना नाना तंदूरी नाइट, तंदूरी नाइट। इन्फॉर्मेशन ओके हुई तो तुझे भी गिफ्ट मिलेगा। केल आया हूँ आपके लिए। प्रोटीन होता है इसमें, विटामिन, कैल्शियम बढ़ जाएगा तुम्हारा। H2SO4 की तो कोई कमी नहीं आएगी। इस लेवल पर सुंदरता आती है यासु, बहुत ज्यादा आदमी खुश रहे हैं। चलो अब अपना काम कर। काम ही तो कर रहा हूँ। हेलो जी, आई एम किधर? आई एम इधर। मटके में है पानी भरता, तेनु शूट शूट करता। अब यहां से तो छीन ना पाओगी, लो मैं खुद दे देता हूं। ऐसे मत ना देखो, 450 का है, बुध बाजार से लिया, सिलवा भी दूंगा। अब प्रेम मास्टर से बहुत अच्छी जान पहचान है। चलो काम पे लगो। गन्ने जो हों ना दांतन के लिए बहुत मजबूत हों हैं। मेरे तो दांत गन्ने खा खा के इतने मजबूत हैं, मैंने दांतन से एक दिन ट्रक रोक दिया। तुमने भी ग्रीन पहन रखा, मैंने भी ग्रीन, गन्ना भी ग्रीन। अरे भाई बहुत कैड़ो कॉम्बिनेशन हो रहा यार, देखी चाहिए। पायल, अरे कौन सी कार है छत पे? कमाली वाला कमाड़ा स्टील प्लास्टिक लोहा 10 रुपए किलो, 10 रुपए किलो। अरे कमाली वाला छत पे क्या कर रहा है? अकेले अकेले मुस्कुरा रहे हैं? तो कहा अपने फूफा को गैल बिठा के मुस्कुराऊं? लेकिन अब तो रोने का टाइम है। क्यों? सॉरी भाई, लेकिन वो सुअर भाई ने ना आधे गहने मुझे देने का प्रॉमिस किया था, इसलिए तू गिफ्ट देता रहा और वो चिट्ठी भेजता रहा कि छोटे भाई के हाथों गिफ्ट भिजवा रहा हूं। गद्दारी कर ले, गद्दारी कर ले, गद्दारी कर ले। तेरे भले के लिए किया मैंने। मेरा का बुलाया मैं भाई? भाभी मेले में डांसर है। मुझे कैसे बताएगी, मैं तो जाता ही ना हूं मेले में। अरे मैं तो जाऊं पर यकीन ना हो ना, चल मेरे साथ दो स्टेप मार, यही मेले का नजारा दिखा दूं तुझे। चल अरे थम जाओ।
तुम मेले के अंदर डांसर थी, ये बात तुमने मुझसे क्यों छुपाई? मैं कौन सा तुम्हें ठुकरा देता? सॉरी। चलो कोई नहीं, लेकिन आगे से मामी के सामने बिल्कुल मत करना ये सब, मेरी बहुत इज्जत है। सॉरी अगेन। स्वर संदूक गहनों की अगर वो गहनों वाली संदूक मामी जी। अरे रुको, आ रहे हैं। ये रो, आ रही है, ये लो और मुझे माफ करो। भाई जल्दी देख, गहने सोने के हैं, हीरे के। अरे रुको, इसमें गहने ना हीरे के हैं ना सोने के। अरे इसमें तो इसकी नानी की कुछ यादें हैं और कुछ पुराने कपड़े हैं। लेकिन ये तो गहनों वाली संदूक थी ना? हाँ। अरे गहनों इनकी नानी के गांव का नाम है। क्या? अरे वहां से वो दहेज में ये संदूक लाई, इसलिए ये गहनों की संदूक। ओ भाई मौज आ गई, ओ भाई भाई मजा आ गया भैया, शादी की शुभकामना भाभी। कोई बात नहीं भाई, जिसके साथ भगवान जी हो उसका क्या विनाश होगा। गहनों वाली संदूक। अरे कहाँ है ढोल वाले यार? ओ भाई आ जाओ यार, तो मेरे भाई का ढोल बज गया। आई लव यू बोथ ऑफ यू।